स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम है क्रैश कोर्स इन एसएससी सीजीएल। तो इस क्रैश कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक अपना हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो समाप्त कर दिया है। अब हम बढ़ चुके हैं अपने पॉलिटी के सेक्शन में। पॉलिटी का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटी जब शुरू होती है तो सबसे पहले बात आती है प्रीएम्बल की। और प्रीएम्बल की हम बात करें, थोड़ा सा मार्कर लाइट कर लेते हैं अपना। प्रीएम्बल की हम बात करें तो प्रीएम्बल द प्रीएम्बल ऑफ द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन करें तब हम देखेंगे। तो जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस्ड है ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है ये। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन दिसंबर 13, 1946 एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 22 जनवरी 1947। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ऑलराइट, थोड़ा सा मार्कर और लाइट करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है जो 22 जनवरी 1947 है, क्योंकि इस दिन जो है अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इनिशियली द प्रीएम्बल वॉज ड्राफ्टेड बाय श्री बी एन राव टट्स। ठीक है, इनिशियली जो प्रीएम्बल था वो ड्राफ्ट किया गया बी एन रॉय के द्वारा एंड इन हिज मेमोरेंडम ऑफ May 30, 1947 इट वॉज लेटर रिप्रोड्यूस्ड इन द ड्राफ्ट ऑफ October 7, 1947। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रीएम्बल का रीड क्या करते हैं इसमें, प्रीएम्बल ये है, आपने रीड किया होगा हर बुक्स के अंदर ये प्रीएम्बल रीड कर सकते हो आप, जो बुक्स के जो NCERT की बुक्स होती हैं उसमें भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट करती है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 26 नवंबर 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रीएम्बल जो है वो भी आ जाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, ओरिजिनली अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, हाँ ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म, अभी जो है वो प्रीएम्बल इसमें आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 24 पार्ट्स भी हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो पहले थे 22 पार्ट तो अब हो गए 24 पार्ट, पहले 395 आर्टिकल्स थे अब हो गए 448 आर्टिकल्स, और पहले 8 शेड्यूल थे तो अब हो गए 12 शेड्यूल। इंडिया इज इन यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लेज डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द गाइडेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू द कंट्री। ये एक नियम बनाता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नियम रखता है कि स्टेट पॉलिसी क्या होनी चाहिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव में कंट्री के, ताकि मतलब जो है लोगों के प्रति नीतियों का जो रुझान है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बताता है। इट इस्टेब्लिशेज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करता है एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिलीभगत हो जाए तो देश का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जुडिशरी हमेशा अलग होनी चाहिए क्योंकि न्याय देने का काम जुडिशरी का है। ऑलराइट, अब आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 स्टिपुलेट करता है दैट इंडिया इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट। तो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ऑलराइट, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे हम क्या देखते हैं, चलिए, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रिक्टिबल, क्योंकि ये इंडिस्ट्रिक्टिबल है, मतलब ये कोई भी जो राज्य है इसका वो अलग अपना देश नहीं बना सकता इसमें। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 और 3 बताता है पार्लियामेंट के पास पावर है टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। पार्लियामेंट जो है वो नया राज्य बना सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, बट वो स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ऑलराइट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना है इस देश में, भाषा के आधार पर जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश है। ऑलराइट, आगे हम बात करें अगर स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 1956 में आया वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, एक मिनट, तो
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अडेप्ट कर लिया था एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरो किया गया है, बोरोड इस प्रोविजंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज से जो है इसमें क्या बोलते हैं चीज़ें डाली गई हैं. ऑलराइट, तो पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वेरी इंपॉर्टेंट. फेडरल स्कीम, डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी पावर्स, ऑर्डिनेंस डिफाइनिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आ रही हैं 1935 के. यूनाइटेड किंगडम से भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, बाइकैमरल पार्लियामेंट भी इन्हीं से लिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इन्हीं से लिए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इनसे लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया. ऑफिस ऑफ CAG भी UK से लिया गया, रेट ऑफ विजिट जूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट भी UK से लिया गया, रूल ऑफ लॉ भी UK से लिया गया. तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से ली हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब USA से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है USA से लिया गया, USA का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिए गए, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन यहाँ से आया, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट भी आया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी यहीं से लिया गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी यहाँ से लिया गया, वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी प्रोविजन यहाँ से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम भी जो है USA से ही आया है. ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं. आगे हम बढ़ें तो आगे हम देखेंगे तो USSR से क्या क्या लिया गया. USSR की हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से ली गई हैं. वीमर कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी ऑफ जर्मनी, जर्मनी से जो है क्या क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, बैलेट सिस्टम भी इससे लिया गया है. कनाडा की बात करें, फेडरल सिस्टम, एसजुरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इससे लिया गया. साउथ अफ्रीका की बात करें, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया. इलेक्टिंग मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जिस तरह से मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया. आयरलैंड की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आयरलैंड से ली गई. नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ऑलराइट, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन जो करते हैं, जो चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के माध्यम से, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है. और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव भी आयरलैंड के द्वारा के संविधान से ही लिया गया है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नीति निर्देशक सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं. पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 36 से 51. DPSP बताता है क्या कहता है, इसको हम जूम इन कर लेते हैं. DPSP की बात करें, दीज प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट. ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस देती हैं गवर्नमेंट को कि आप इसी हिसाब से नीति बनाए देश के लिए. डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसेबल राइट्स इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसेबल नहीं है. ये इसके आधार पर जस्टिस नहीं दिया जा सकता किसी को, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है. इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेटर शैल प्रिवेल. ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में, तो जो लेटर है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है वो प्रिवेल होता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, ये भी लाया गया है 1976 में. 42nd, बैटरी भी मेरे मोबाइल की कम हो गई, चलिए कोई बात नहीं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, पार्ट फोर ए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, और 51A जो आर्टिकल है वो भी जो है DPSP बताता है, जो कि ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में. काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, याद कर लीजिएगा. इट सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के सभी नागरिकों की ड्यूटी है, दैट देर आर 11 सच ड्यूटीज़ आफ्टर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, अभी तक 11 सच ड्यूटीज़ हो गई हैं. ऑलराइट, द यूनियन आर्टिकल 51 से 151 यूनियन के बारे में बताता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं यूनियन में. आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 कहता है कि दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर जो है पूरी वेस्टेड किस में, प्रेसिडेंट में. इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. ठीक है, MLAs वगैरह जितने भी स्टेट के जो इलेक्टेड हैं वो चुने, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं. द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस. ठीक है, प्रेसिडेंट फिर से इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है उस ऑफिस में. टेन्योर की बात करें, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर सम ऑफ 5 years, 5 साल के लिए.
प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस को अपने होल्ड कर सकता है. द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एंड एनी टाइम बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है और अपना इस्तीफा दे सकता है. एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें आर्टिकल 53 में, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन हिम. जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो राष्ट्रपति में है. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द हिज प्लीजर. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जब जो चुनाव हो जाते हैं. ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी. द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स भी यही चुनते हैं. द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन भी यही चुनते हैं. आगे हम बढ़ें तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर भी प्रेसिडेंट को है कि नहीं ये देखते हैं. दी प्रेसिडेंट कैन समन और एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो किसी भी सेशन ऑफ पार्लियामेंट को शुरू कर सकता है और ख़त्म कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को. और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि वो परमानेंट हाउस है. ऑलराइट, याद रखना. नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करते हैं. नेशनल इमरजेंसी इज कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. जब युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है या फिर आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ विद्रोह होता है. जैसे शांति प्रिय विद्रोह करने की तो हमारे देश में आज़ादी है, पर हथियार रख के विद्रोह करने की कोई आज़ादी नहीं है. इन द होल इंडिया, होल ऑफ द इंडिया और ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन वन मंथ. एक महीने में इसका प्रोक्लेमेशन हो जाना चाहिए और अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर इसको रिक्वेस्ट करें, प्राइम मिनिस्टर रिटन रिक्वेस्ट दें अगर प्रेसिडेंट को, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है. स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द फॉलोइंग. अगर इफ स्टेट फेल टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर स्टेट जो है कोई भी राज्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपना राज नहीं कर रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो आर्टिकल 356 के प्रावधान के मुताबिक स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है. इफ दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 365, अगर आर्टिकल 365 के मुताबिक अगर स्टेट अगर नॉट वर्क नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो 365 के तहत जो है यहाँ पे भी जो है इसके तहत जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है. सच एन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. 2 महीने के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट में अप्रूव होनी चाहिए. वीटो पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द 3 वीटोस, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. ठीक है, 3 वीटो हैं इनके पास अवेलेबल. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वीटो पावर इनके पास हैं, तो एब्सोल्यूट वीटो भी है, सस्पेंसिव वीटो भी है और पॉकेट वीटो भी है. चलिए आगे बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद 3 absolute, ये तो हो गया. इन 1986 प्रेसिडेंट जेल सिंह एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट बिल. तो पॉकेट वीटो का उपयोग प्रेसिडेंट जेल सिंह कर चुके हैं. ठीक है, किस बिल के संदर्भ में? पोस्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट बिल. चलिए, ये कुछ राइट्स हैं जो हमको दिया जाती है, देती है जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसको हम डिटेलिंग में बात करते हैं. ऑलराइट, इसको हम जो है रोटेट करते हैं तो पहला बेहतर होगा शायद. जी हाँ, ये ठीक है, ये वाला हिसाब किताब कुछ ठीक लग रहा है, तब जाके आपको जो है चीज़ें दिखाई भी देंगी. पहले हम बात करें आर्टिकल 14 और 18. ये राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है आर्टिकल 1922. ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 है. आगे हम अगर बात करें
तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात करें, आर्टिकल 29-30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है आर्टिकल 32 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड्स हाइबस कार्बस मैंडमस प्रोहिबिशन सर्टरी को वरंटो, ये जो है रिट्स हैं। ऑल राइट, ये रिट्स हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने मोड पे। चलिए आज हम अपने आखिरी टॉपिक पे और बढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें। आर्टिकल 67-73 कहता है कि आर्टिकल 63 सेज दैट देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट देश में होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करें। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा राज्यसभा का। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन लाएगा उसके तहत जो है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया सकता है, पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, के ज़्यादातर मेंबर्स अगर उसको पास करें, एट द टाइम ऑफ एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल, एट द टाइम एंड एग्रीड बाय द, और इसमें एग्री कौन होना चाहिए, लोकसभा। तो रेजोल्यूशन आना चाहिए राज्यसभा से और एग्री होने चाहिए लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, आर्टिकल 74 का 1 बताता है, इट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज हर फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट अपनी काम करेगा। ठीक है, इफ द लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो नीडी लोग हैं उनके लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुँचे, ये वीडियोज़ पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।